आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव गठबंधन के बाद पहली बार भरथना विधानसभा पहुंचे और बीजेपी पर साधा निशाना, जहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं के साथ शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया गया। वर्तमान विधानसभा में मौजूद जनता से प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। बीजेपी सरकार में किसानों को डीएपी खाद को लेकर काफी किल्लत सहनी पड़ी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार में किसी की नहीं सुनी जाती है, साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था को भी घेरा और कहा यूपी में कानून राज नहीं गुंडा राज कायम है। उसराहार से संवाददाता गौरव शाकी की रिपोर्ट। हर पूरे प्रदेश में 75 जिलों में, लेकिन जब हम निकलते थे पूरे उत्तर प्रदेश में, तब आप लोग कहते थे एक हो जाओ, यही तो कहते थे। तब हम दोनों लोग तो एक हो गए। हम लोगों ने तय कर लिया है अब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों पर कोई झगड़ा नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है जो सर्वे में जो जीत आएगी, जीत है, जीतने वाले प्रत्याशी हमारे दावा में तो सब प्रत्याशी जीतने वाले हैं। भरथना भी जीतेंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज।